सलाम, मैं हूँ आपका अपना इंस्ट्रक्टर मुबीन इनायत, और आज हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरिंग पीपीपी पैप ऑथेंटिकेशन इन सिस्को राउटर। लेकिन इस लैब को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि पीपीपी पैप ऑथेंटिकेशन के हवाले से है। ये एक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है पीपीपी, और इसके अंदर हम आपको आज पैप की ऑथेंटिकेशन दिखाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप ऑथेंटिकेशन भी दिखाएंगे। फ़िलहाल ये पैप ऑथेंटिकेशन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हमारा आज का टॉपिक है। और सबसे पहले बात करते चलें कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलता है और अभी हमें पीपीपी क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये सबसे पहले मैं आपको बता चलूं कि ये एक वैन प्रोटोकॉल में शामिल होता है पीपीपी। ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और यहाँ पर ये आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है पीपीपी। और पीपीपी में हमारे पास एक पैप ऑथेंटिकेशन होती है और एक चैप होती है, ठीक है। और पैप में क्या खूबसूरती है, क्या चीज़ें होती हैं, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। ऑथेंटिकेशन मिलता है, एरर करेक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें हमें पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में मिलता है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये मैं आपको दिखाता चलूँ। अब हम सीरियल पर जाएँगे और यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले इनेबल कीजिए शो इंटरफेस सीरियल 0/0/0 से मैंने कनेक्ट किया है, और ये देखेगा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो HDLC इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है। HDLC बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है, और ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है हायर लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें बस ये याद रखिएगा, इसमें हमें HDLC में ऑथेंटिकेशन नहीं मिलती, नो ऑथेंटिकेशन, और एरर करेक्शन भी नहीं मिलता, नो एरर करेक्शन और नो कंप्रेशन। तो यहाँ पर कंप्रेस भी नहीं हम कर सकते, लेकिन हमारे इस पीपीपी में जो है वो ऑथेंटिकेशन मिलती है कि यहाँ पर भी हम यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, और यहाँ पर भी यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, जब तक ये एक दूसरे के साथ यूज़र नेम और पासवर्ड शेयर ना करें तो ये ऑथेंटिकेशन ना हो, तो तब तक जो है वो ये आपस में कम्युनिकेट ना नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का टॉपिक है जो कि हम पीपीपी इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल के अंदर कवर करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको नॉर्मल बिहेवियर दिखाएं जब HDLC के ज़रिए अगर कम्युनिकेशन हो रही है, पैकेट्स अगर हम भेजते हैं, ये देखेगा यहाँ से पैकेट यहाँ, और हम आपको चला के भी दिखाएं, ठीक है। ये यहाँ पर अगर हम पैकेट्स को दिखाएं आपको, ये देखेगा HDLC फ्रेम दिखा रहा है आपको, लेयर टू पर चलने वाला ये प्रोटोकॉल HDLC जो है वो लेयर टू पर, और इनबाउंड PDU पैकेट्स दिखा रहा है, और ये आउटबाउंड, ये देखें आउटबाउंड में भी ये देखेगा HDLC ही दिखा रहा है, ठीक है। ये आपने देखा, अब हम इसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कैसे चेंज करेंगे, हम आपको पीपीपी में पैप आज करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में चैप सिखाएंगे, ठीक है। और पैप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड करने के लिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फर्स्ट राउटर पर, और फर्स्ट राउटर पर चलते हैं। आपने यहाँ पर जाकर जो है वो सबसे पहला काम ये देखिएगा, मैंने राउटर के नेम भी चेंज किए हैं, इसका नेम R1 किया है और उसका हमने सेकंड राउटर का R2 किया हुआ है। इस पे जाके सबसे पहले आप बनाएगा जो है वो आप बनाएंगे सबसे पहले यूज़र नेम दीजिए, जैसे कि यूज़र नेम अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं R1 पर तो आप दीजिए R2 किसका है, मैं आपको ये दिखाता चलूँ। सेकेंड राउटर का नेम R2 है, ये देखें इसका नेम R2 है। तो हम यहाँ पर जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र नेम R2 देंगे सेकंड राउटर का, और फिर क्वेश्चन मार्क कीजिए, देखें पासवर्ड का कह रहा है, आप पासवर्ड देंगे, जैसे कि मैं पासवर्ड दे देता हूँ सिस्को, ठीक है, और इंटर कर दीजिए। ये मैंने दे दिया पासवर्ड, अब हम इंटरफेस पर जाएँगे,
सीरियल 0/0/0 पर कनेक्ट किया है मैंने, यानी कि यहाँ पर मेरा सीरियल 0/0/0 है। मैं आपको दिखाता चलूँ ऑप्शंस में, प्रेफरेंसेस में, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स पे जाकर ये देखिएगा, ये सीरियल 0/0/0 है और यहाँ पे भी ये सीरियल 0/0/0 है। और यहाँ पर अब हम जो है वो इनकैप्सुलेशन इस्तेमाल करेंगे। इनकैप्सुलेशन कितने तरह की दिखा रहा है आपको सिस्को पैकेट टेस्टनेट में, तीन तरह की, एक फ्रेम रिले होती है और HDLC बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल पे कॉन्फ़िगर्ड हुई होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है HDLC। और HDLC वैसे फास्ट है लेकिन फीचर्स के मुकाबले में जो है वो फीचर्स PPP में ज़्यादा हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन मुझे PPP में मिलती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में मिलती है, कंप्रेस होता है, इस तरह की चीज़ें, एरर करेक्शन वगैरह के हवाले से हमें चीज़ें मिलती हैं, तो PPP में ज़्यादा फ़ायदा है हमारे पास किसके मुकाबले में, HDLC के मुकाबले में। और फ्रेम रिले आप इस वक्त ये एब्सोल्यूट हो चुका है। और यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं PPP कॉन्फ़िगर करने की, तो हम लिखेंगे PPP स्पेस क्वेश्चन मार्क और इंटर कर दीजिए। ठीक है, ये कर दिया हमने और ये देखें ये स्टेट डाउन हो गई, इसलिए पड़ोसी का आपने वहाँ पर इनकैप्सुलेशन HDLC चल रही है और यहाँ पे PPP है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो लिखना है PPP स्पेस क्वेश्चन मार्क और टैप, एक कमांड ऑथेंटिकेशन की है और एक कमांड टैप की है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, एक जो है वो सबसे पहले आप ऑथेंटिकेशन यूज़ कर लीजिए। ऑथेंटिकेशन कौन सी ऑथेंटिकेशन आप बता रहे हैं उसको, टैप। ठीक है, टैप दे दीजिए स्पेस क्वेश्चन मार्क। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चैप डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में शामिल होता है, और टैप जो है वो इतना अच्छा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। लेकिन ये प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड ही जो है वो शेयर करता है, याद रखिएगा टैप। और यहाँ ये टू वे हैंड शेकिंग करता है, टू वे हैंड शेकिंग के ज़रिए काम होता है इसमें। फिर टैप करके क्वेश्चन मार्क कीजिए और इंटर कर दीजिए, ये बात हो गई। फिर PPP लिख के फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे अब आप टैप यूज़ करेंगे, सेट टैप ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स। ठीक है, तो आप लिखिए टैप स्पेस क्वेश्चन मार्क और सेंड डैश यूज़र नेम क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको अपना यूज़र का नेम बताएंगे। ठीक है, R1 है आपका, तो आप लिखिएगा R1 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर वो कह रहा है पासवर्ड, और पासवर्ड आपने देना है सिस्को, और फिर इंटर कर दीजिए। ठीक है, यही सेम कमांड्स आपने जो है वो पड़ोसी पे भी चलानी है इसके। ठीक है, अब आप पड़ोसी पे चलेंगे यानी कि सेकंड राउटर पर। अब एग्जैक्ट हम कमांड चलाएंगे, इस पर भी अगर हम देखें इनेबल करके, शो इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पर, और ये देखिएगा इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल HDLC आ रहा है, हायर डेटा लिंक, हायर लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। और ये आपको बस ऑथेंटिकेशन वगैरह, कंप्रेशन और एरर करेक्शन नहीं देता, लेकिन PPP देता है। तो अभी हम आपको ये दिखाने लगे हैं इंटरफेस। पहले सबसे पहले आप यूज़र नेम बनाइए, यूज़र नेम क्या देंगे, यहाँ पर अगर आप R2 पर मौजूद हैं तो आप बराबर वाले राउटर का नेम दीजिए R1, और फिर पासवर्ड पड़ोसी के राउटर का, नेबर राउटर का नेम है R1, और पासवर्ड हमने दिया था सिस्को। इंटर कर दीजिए, फिर आप INT स्पेस सीरियल 0/0/0 पे जाइए, और इनकैप्सुलेशन आप जो यूज़ करेंगे वो क्या होगी, PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इंटर कर दीजिए, फिर आप PPP और फिर आप क्या लिखेंगे, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन आपको क्या यूज़ करनी है, आपको यूज़ करनी है पैप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कीजिए और इंटर कर दीजिए, देखें ऑथेंटिकेशन पैप हो गई, और फिर PPP स्पेस और फिर पैप, फिर सेंड डैश यूज़र नेम, फिर यूज़र का नेम आपका खुद का जो है वो
यहाँ पर R2 मौजूद है इस राउटर पर, तो आप R2 दीजिए स्पेस और फिर पासवर्ड दीजिए सिस्को, पासवर्ड टाइप कीजिए सिस्को और इंटर कर दीजिए। यहाँ पर ये मैंने इंटर कर देना है, ये देखिएगा इंटर हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है, देखें स्टेट भी अप हो गई, लाइन प्रोटोकॉल का हमारा ये इंटरफेस सीरियल का अप हो गया, ये डाउन हो गया था। डू शो आईपी राउट करके भी देख लें कि राउट सारे हैं, मैंने रिप प्रोटोकॉल चला रखा है और बाकी देखें नेटवर्क सारे हैं अप है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड भी यूज़ कर लीजिए और ये देखिएगा सीरियल ये भी अप है, ये भी अप है। और अगर मैं सीरियल आपको दिखाऊं, डू शो INT सीरियल 0/0/0 इंटर, और ये देखिएगा इनकैप्सुलेशन जो मेरी हो रही है, ये देखिएगा ये PPP प्रोटोकॉल पर हो रही है, ये इनकैप्सुलेशन आप देख रहे हैं। और अब इनकी कम्युनिकेशन भी मैं दिखाता चलूँ आपको। टैप याद रखिएगा इतना स्ट्रांग नहीं है, ये वीक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होती है, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको चैप भी करवाएंगे। और ये पैप टू वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल है और यहाँ पर सबसे पहले हम इस सिस्टम पे जाएंगे, लेकिन पहले इस मशीन की आईपी देख लीजिए। आईपी कॉन्फ़िगर यहाँ पे 20.0.0.2 है, तो आप यहाँ पर जाकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और यहाँ पर पिंग 20.0.0.2 पर कीजिए, ये देखें रिप्लाई आना शुरू हो गया, ठीक है कम्युनिकेशन हो रही है। और मैं आपको पैकेट के ज़रिए भी दिखाता चलूँ फ्रेम क्या क्या भेजा जा रहा है। अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ, ठीक है ये हम करके देखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर ये अगर हम देख रहे हैं PPP फ्रेम पर आ गया है, ये आप देख रहे हैं PPP पर मौजूद है। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको आउटबाउंड भी दिखा रहा हूँ, तो ये देखिएगा ये भी अभी PPP ही हो गया है, ये आपने देखा सोर्स IP 193.1.1.1 आ रही है, यानी कि ये, और डेस्टिनेशन IP 193.1.1.2 आ रही है, ये आपने देखा PPP लेवल पे चला गया, कम्युनिकेशन हो रही है, ये मैंने आपको दिखाया। ये याद रहे कि इनकैप्सुलेशन में हमारे पास जो है वो PPP एक स्टैंडर्ड है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में शामिल होता है, और HDLC जो है वो सिस्को का प्रॉपर्टी है जो बाय डिफ़ॉल्ट था कॉन्फ़िगर्ड, और अभी हमने इसको PPP में पैप ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ किया है जो कि प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड शेयर करता है जो कि नुकसानदेह है। और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल भी करवाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी जो कि मैंने आपको पैप ऑथेंटिकेशन पे करवाया है। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है, तो इसे अपने बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।